हमारा सनातन धर्म भारत का राष्ट्रीय धर्म है। हम सब अपने व्यक्तिगत स्वार्थों से ऊपर उठ करके अपने इस राष्ट्रीय धर्म के साथ जुड़ते हैं। हमारा देश सुरक्षित हो, हमारे मान बिंदुओं की पुनर्स्थापना हो, गौ ब्राह्मण की रक्षा हो, किसी कालखंड में अगर हमारे धर्मस्थलों को अपवित्र किया गया है, उनकी पुनर्स्थापना का एक अभियान चले और इस अभियान का क्रम आज आप देख रहे होंगे। अयोध्या में 500 वर्षों के बाद प्रधानमंत्री मोदी जी के प्रयास से भगवान राम के भव्य मंदिर के निर्माण का कार्य आज पूरा होने जा रहा है। आप सभी श्रद्धालुजनों ने भगवान राम के भव्य मंदिर के निर्माण में अपना योगदान दिया। आज भारत की भावनाओं के अनुरूप भारत का राष्ट्रीय मंदिर भगवान राम के भव्य मंदिर के रूप में स्थापित हो रहा है और मुझे बहुत प्रसन्नता है कि भगवान राम के भव्य मंदिर के निर्माण का कार्य और रामलला विराजमान अगले एक वर्ष के अंदर अपने भव्य मंदिर में होंगे। उससे पहले राजस्थान के इस भव्य मंदिर के पुनरुद्धार का सौभाग्य आज मुझे यहां प्राप्त हुआ है। विधान है, कानून है, इसी संसद में पास किया था 1991 में, और यह तय किया गया था कि 1947 का स्टेटस को बहाल रहेगा सिवाय राम जन्मभूमि बाबरी मस्जिद के। ये व्यक्ति कर क्या रहे हैं? पूरे देश में आग लगाना चाहते हैं। प्राथमिकता क्या है? रोजगार ना, बेहतर स्वास्थ्य? उसमें तो कभी मुंह खोलते नहीं सुना मैंने इनको। क्या बात कर रहे हैं प्रधानमंत्री जी? ये जो नया ऑपरेटिंग सिस्टम तैयार हो रहा है ना आपके यहां से, ये देश को लील जाएगा। बस कुछ कह नहीं सकता, आगाह कर रहा हूं। मैं मानता हूं कि माननीय सर्वोच्च न्यायालय को इस मुल्क की प्राथमिकता क्या होनी चाहिए उसमें हस्तक्षेप करना चाहिए, नहीं तो जालीदार टोपी वाले, बयान देने वाले, शमशान कब्रिस्तान में देश को उलझा के रखने वाले लोग ना हमें कभी भी अपनी ट्रैजेक्टरी को फॉलो नहीं करने देंगे। क्या बनाकर रख दिया है इस देश को, और ये व्यक्ति देश के सबसे बड़े सूबे के मुख्यमंत्री। इतने दिनों तक भैया आप गड़े मुर्दे उखाड़ते फिरोगे, ये केवल एक राजनीतिक हस्तक्षेप और हथकंडा है। दूसरा, ये तो बहुत लंबी कहानी है भाई। पहले तो आप इस बात का प्रमाण लाइए कि कहाँ कुछ हैं। अभी ये माना जाता है कि 85 से 90 के करीब ऐसे मंदिर हैं जिनमें प्रमाण के साथ कहा जाता है कि उनको तोड़कर कुछ और बनाया गया। लेकिन आप कहाँ तक के मंदिर की बात करेंगे? एक ऐसी बात है, 6वीं, 7वीं, 8वीं शताब्दी ईसा पूर्व की बात है कि जब बहुत से जैन और बुद्धिस्ट मंदिर भी तोड़े गए। उस समय जब जैन और बुद्ध धर्म जो है इस देश में फैला, तो उसके बाद हिंदुओं में या सनातन धर्म के लोगों में एक प्रतिक्रिया हुई, और उसके बाद बहुत से जैन और बुद्धिस्ट मठ जो हैं उनको नेस्तनाबूद किया गया, उनको तोड़ा गया। तो क्या उसको भी लिया जाएगा? और अगर लेना है तो सिर्फ 700 साल पुराने क्यों, 2000-2500 साल पुराना अन्याय क्यों नहीं? और क्या अन्याय होता है, क्या न्याय होता है, ये सब कहानियों का कोई अंत नहीं है क्या? और क्या इसी में हम पड़े रहेंगे सारे समय?